अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में हर शर वबा से महफूज रखे, आपकी रोज़ी रिस्क में बरकत दे और आपके खानों में जायका अता फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। और मुझसे किसी ने कहा था कि आप बच्चियों के लिए भी दुआ किया कीजिए कि बच्चियों के अल्लाह ताला नेक नसीब करे, तो इंशाअल्लाह मैं मुझे अल्लाह याद रखने की तौफीक दे। आज से मैं ये कहूँगी अल्लाह ताला तमाम बच्चे और बच्चों, लड़के और लड़कियों के नेक नसीब करे और नेक इज्जत करने वाले शरीक हैं एक दूसरे को अता फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। और आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं, ये आज से हम समझे रमज़ान स्पेशल का आगाज़ कर रहे हैं। रमज़ान के हिसाब से, रमज़ान अभी है टाइम, लेकिन इससे पहले हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं वो हैं डोनट्स, पोटैटो डोनट्स। तो पोटैटो डोनट्स के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए जी, तो पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, मैदे के अलावा फिर हमें चाहिए उबले हुए आलू। आलू हमने इस तरह मैश कर लिए, अच्छी तरीके से मैश कर लें इनको बारीक, मुझसे आधे हुए थे आधे मैंने छोड़ दिए। और फिर ये चिकन है और ये भी बॉईल की हुई है, दोनों चीज़ें बॉईल कर ली हैं हमने पहले से। और ये है जी धनिया और पुदीना। पुदीना तो मैं लाजमी इस्तेमाल करती हूँ इसलिए कि पुदीना हज़म करने में आपको मदद करता है। और ये है जी अजवाइन हाफ टी स्पून, हाफ से भी थोड़ा कम है, और टीस्पून के करीब ज़ीरा और एक टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं और नमक भी हसबे जायका। और ये जो है वो इन तीनों का मिक्सचर है, ज़ीरा अजवाइन और काली मिर्च का, ये हमने ग्राइंड करके रख लिया पाउडर। और ऑयल है और उसके बाद हम इसकी तैयारी करते हैं जी। ये मैदा है, मैदे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल या घी आप जो दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स कर लें और इतना मिक्स करें कि मतलब बिल्कुल जैसे ब्रेड क्रम्स की तरह जो है वो हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से ऑयल। देखिए ये अच्छी तरीके से अब इस तरह बनने लग गए हैं इसके क्रम्स से। इसको हम रूम टेम्परेचर वाले पानी से गूंदेंगे और ये बहुत ज़्यादा जो है नरम भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी है, नॉर्मल पानी है जिससे हम आम आटा गूंदते हैं। आटे को अच्छी तरीके से मसल लें, मिक्स हो जाए एक जान। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये ऑयल लगा के इसको हम इस तरह रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। मैदा है, इसको गूंदना वैसे ही ज़रा वो होता है, तो क्योंकि इसको सख्त रखना है तो बहुत ज़्यादा वो नहीं, और इसलिए इसको थोड़ी सी देर के लिए आटा लगा के ढक के रख दें कि ये ऑयल, सॉरी वही वही एक ही बात है, ऑयल लगा के थोड़ा सा ढक के रख दें ताकि ये एकदम खुश्क ना हो। अब आलू को अच्छी तरीके से को दम लगा के, शाबाश, ऐसे मैं नहीं हूँ दम लगा के इसका मलीदा कर दे, क्योंकि मेरा दम तो आटा गूंदने में ही निकल गया था, इसलिए आलू का दम दुनिया से निकलवा रहे हैं। खूब अच्छी तरीके से इसको मैश कर लें, लम्स ना रहे इसके अंदर ना तो अच्छा रहेगा। तो अब इसके अंदर काफ़ी हद तक ये बराबर हो गया, तो हम इसमें अब बाकी का सामान मिक्स करते हैं जी। आलूओं का दम निकल चुका है, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। हम तो जगह पे वापस आ गए, हाँ हमने रिप्लेस इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते भैया हम दम। और तकरीबन ये जो धनिया और सॉरी ज़ीरा काली मिर्च और अजवाइन का मिक्सचर था पाउडर, वो हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, नमक क्योंकि हमने चिकन और आलू बॉईल करते हुए दोनों सूरतों में डाला था, आप फिर भी चख लीजिएगा अगर ज़रूरत महसूस हो
तो फिर और इसमें डाल लीजिएगा। और मैं ये धनिया और पुदीना भी डाल रही हूँ। और अगर आप चाहें इसके अंदर कोई और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, मसलन कैरेट है, बंद गोभी है, और नहीं मशरूम नहीं चलेंगे इसके अंदर, बस इस तरह जो भी सब्जी आपके यहाँ खाई जाए खुशी के साथ तो वो इसमें आप शामिल कर लें। हमारे यहाँ सब्जियों से एलर्जी है तो इसलिए मैं सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं करूँगी। और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दम सही निकला आलूओं का, टह पटास हो गए बिल्कुल। इसमें मजीद नमक शामिल करने से पहले चाट मसाला डाल लें, खटाई डाल लें, जो आपका दिल चाहे डाल लें इसके अंदर थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। और फिर नमक चखें, अगर आपको नमक इसमें कम लगे तो नमक मजीद ऐड करें। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रमज़ान के हवाले से है तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान में मिर्चों वाली चीज़ें ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो सारा दिन एसिडिटी की वजह से तबीयत बोझल रहती है। तो अगर आप चाहें और आपके यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें, खैर बच्चों का तो नाम बदनाम है, बड़े भी पूरे चस्के लगाते हैं। तो मतलब अगर हरी मिर्चें डालना चाहें तो बारीक डाल लें, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर दें। आटे को तकरीबन हमें भी ढक के रखे 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसका भी हाल हुलिया देख लें कि कहाँ तक पहुँचा है वो। हाँ नमक सब ठीक है जी। आटे को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो गए, और इस दौरान मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा 2-3 पंच लगवाए हैं दुनैरा से, और बेचारा देखो टी पटास हो गया, मुंह ही खुल गया उसका, गरीब का आँखें अंदर चली गई हैं, मुंह खुल गया। तो चले जी बनाते हैं इसके अब हम इक्वली हिस्से, और इससे बराबर बिल्कुल बहुत बड़े पेड़े नहीं लेने हमने, इनको भी हम दरमियान से छोटा कर लेंगे। बाकी के पेड़ों को थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसी तरह रख लेंगे, और जहां हमने बेलना है उनको भी इसी तरह हम बेल के रेडी रखते हैं। इसको ढक के इसको हाथ से थोड़ा सा दबा के थोड़ा सा डस्ट कर लें, और इसको बेल लें अच्छा सा खूब, ज़रा बड़ी सी रोटी सूरत में। सर आप जितना मर्जी रखना चाहें बड़ा, उसको उस हिसाब से बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत बड़े बड़े डोनट्स हों, छोटे भी बना सकते हैं। ये आलू है, इसको इसी तरीके से कर, अच्छा इसमें आप ना चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, अगर चाहें आप ना चीज़ शामिल करना तो चीज़ भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। और फिर इसको हम इस तरह पैक करेंगे अच्छी तरीके से, और इतने हिस्से में इसको हम खूब पानी लगा लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। और आपने इसको इस तरीके से रखना है कि इसका दबाव अंदर रहे और ये जगह खाली रहे, इसको रोल करना है। और फिर इसको आप हौले हौले इक्वल कर ले इस तरीके से, और जितना लंबा कर सकते हैं इसको रोल को उस तरह लंबा कर लें। फिर एक साइड का जो रोल है उसको आप अच्छी तरीके से पानी लगा के उसके अंदर इस साइड पे ऐसे पानी लगा के इसको पॉइंटेड कर लें, बंद कर लें, इसको लॉक कर लें, और दूसरी साइड को भी इसी तरह ओपन रखना, उसको बंद नहीं करना, दूसरी साइड को भी पानी लगा लें अच्छी तरीके से। पानी लगाने के बाद इसको खींच के हाथ से लंबा करके इसको आप इसमें अच्छी तरीके से फिक्स कर दें, और इसको बंद कर दें अच्छी तरीके से।
ताकि ये खुल ना जाए। चाहे तो आप सादा ही रख लें, चाहे कोई मेरे जैसे क्रिएटिविटी का कीड़ा काट रहा है थोड़ा सा, तो इसको हल्का हल्का फोक के साथ टैप कर लें। हालांकि इतनी क्रिएटिविटी है नहीं, लेकिन चने बस कर लें जरा सी। और इस जगह को तो ऐसे ही कर लें ताकि टाइट से बंद हो जाए, खुल ना जाए। इसी तरह हम बनाते हैं बाकी के डोनट्स भी। ऑयल गरम हो चुका है, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने डालना है इसको। और कम से कम भी 3-4 मिनट तक हम इसे इसी तरह ही पकने दें, इसको बिल्कुल छेड़े ना। इसको इस तरह डाल के इसे 3-4 मिनट तक बिल्कुल बिना छेड़े, और 4 मिनट हो जाए तो इसके बाद आप इसको फ्लिप कर दें इस तरीके से। और कम से कम 8 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम है हमारी, तो उसके ऊपर इसको गोल्डन होने तक पकने दें। जी बस इसको ये है कि फौरन नहीं पलटना, आहिस्ता जो, क्योंकि हम जब बनाते जाएंगे ऑयल तेज़ गर्म होता जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये ज़रा जल्दी कुक हो तो कच्चे ना रह जाए अंदर से। वैसे तो मतलब बैटर तो सारा अंदर से पका ही हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन ये कि जो इसकी क्रिस्प है, जो कवर है इसका, वो कच्चा ना रहे, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा लाजमी। तो बीच में अगर टाइम हो तो उसको निकाल लीजिएगा, थोड़ी सी चूल्हे से हटा दीजिएगा ताकि ऑयल का नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। ये ठंडा नहीं होना चाहिए लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, वरना फिर ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो जी ये है हमारे पोटैटो डोनट्स, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। क्योंकि घूम फिर के हमारे पास तो यही चीज़ें होती हैं कि जी तिल रोल बना लें, समोसे बना लें, पकौड़े बना लें, तो कभी कभी घूम फिर के उन्हीं चीज़ों को चेंज करके हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ये देखें क्रिस्पी कितने हैं। चीज़ में डालने से रहेगी, भूल गई, 2 दफ़ा फ्रिज खोला, क्यों खोला याद ही नहीं आया, भूल गई। तो इसलिए आप चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं खा के भी बताती हूँ आपको कि कैसे लग रहा है। वैसे लग मज़े का रहा है बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्त। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और ट्राई करेंगे, और ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के तक पहुँचना और उसको पाए तकमील तक अच्छी इबादतों के साथ तकमील तक पहुंचाना नसीब करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आमीन।